पाकिस्तान उन चंद देशों में था जो 20वीं सदी में आजादी के बाद एक लोकतंत्र बना था, जिसने एक संविधान लागू किया था। ऐसी बात नहीं है जो अमित शाह बोल रहे हैं, वो नई बात है। इनके वैचारिक जो पूर्वज हैं वो उस समय भी बोल रहे थे कि धर्म के आधार पर नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, सबने इसको खारिज किया था, सबको समानता दी थी। आपकी कोई भी जाति हो सकती है, आपका कुछ भी लिंग हो सकता है, आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, आप देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं, आप संविधान के सामने और कानून के सामने सब बराबर हैं। आज 1947 में हमारे देश ने खारिज करी थी, आज इसको पहिया पलट के, इतिहास का पहिया पलट के वापस लाना चाहते हैं। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। कि आप लोग क्यों डर रहे हैं? मैं तो नागरिकता ले रहा हूँ, मैं नागरिकता दे रहा हूँ। उनको लगता है नागरिकता कोई मंदिर का प्रसाद है और वो एक हलवाई है, लड्डू बांटेंगे। नागरिकता आप अपनी पसंद से नहीं बांट सकते। हम तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम तमाम लोग अपनी नागरिकता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जामिया में प्रदर्शन चल रहा है, जरूरत पड़ी तो जामिया पे स्ट्राइक होगी, जरूरत पड़ी तो ओखला में बंद होगा, जरूरत पड़ी दिल्ली में बंद होगा, जरूरत पड़ी तो भारत में बंद होगा। ऐसा गैर संवैधानिक कानून हम नहीं सहेंगे। मैंने बोला सच हमारे साथ है, हम सत्याग्रह करेंगे। हम सीएबी को नहीं मानते और सीएबी के आधार पे एनआरसी को नहीं मानते। अगर हम तमाम लोग यहां मिलकर शपथ लेते हैं कि अगर कल को एनआरसी लागू होता है तो हम लोग उस एनआरसी को बॉयकॉट करेंगे। उनको लग रहा है अग्री करते हैं तो एक बार अपना भी बोल दीजिए। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शपथ लेते हैं, हम संविधान के, हम संविधान के धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, मूल्यों के प्रति समर्पित है, समर्पित है। भारत की, भारत की विविधता और एकता गर्व करते हैं, गर्व करते हैं। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, कि हम धर्म, धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये बिना सभी नागरिकों को नागरिकों को समान दृष्टि से देखेंगे और उस कदम का विरोध करते हैं, हम उस कदम का विरोध करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम मूल्यों को खंडित करता हो, मूल्यों को खंडित करता हो। हम मानते हैं, हम मानते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक भेदभावपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और संविधान, और संविधान के मूल्यों के विपरीत है, मूल्यों के विपरीत है। हम इस विधेयक को, इस विधेयक को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके इम्प्लीमेंटेशन का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम अपनी नागरिकता करने के लिए कोई कागजात पेश नहीं करेंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।